बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रजा वुड वर्क में। दोस्तों, अगर आप भी कारपेंटर का काम करते हो और आपके साथ भी इस तरह की समस्या होती है, जैसे हम कोई भी आइटम 45 डिग्री या किसी भी डिग्री की कलम बनाते हैं हम, आप एग्जांपल ये ले लीजिए, जिस तरह से इस तरह के जो बॉक्स बनते हैं, जो इसकी एजिज होती है, कलम होती है, वो हम किस तरह से काट सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं, आरी की मदद से, आरी और आरी से जब हम कटिंग करते हैं तो ये हमारी कलम सही नहीं बन पाती और हम फिर इस पर रंदा घिसते रहते हैं और रंदा घिसने के बाद भी हमारी 0-0 कलम नहीं मिल पाती। तो इसी को देखते हुए दोस्तों, हमने एक ये कटर मशीन, जो मैनुअली कटर मशीन होती है, ये हमने कटर बनाया है और हम इसमें आपको इस तरह के बॉक्स की जो कलम है वो कलम बनाकर दिखाएंगे। और बहुत दोस्तों, इस तरह का बॉक्स बनाने के लिए आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, जो आपके पास अपनी कटर मशीन होती है उसी से आप इसकी कलम बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हो और आपकी जो कलम है वो भी 0-0 आने वाली है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने नॉर्मली ही जो अपने पास कटर मशीन होती है वही हमने थोड़ा टेपर कर कर हम नीचे से इसको फिट किया हुआ है और इसके साथ साथ हमने जो इसका ये प्लेटफॉर्म प्लेट बनाई है ये हमने कुछ इस तरह से, देखिए आसानी से बहुत चल रही है ये। इसमें हमने सिंपली क्या कुछ नहीं है, जो अपने पास ड्रावर चैनल होती है, ये 20 इंच की ड्रावर चैनल हमने एक इधर फिट की है और दूसरी इधर फिट की है और इस तरह से ये प्लेटफॉर्म पूरा बनकर तैयार हो गया है। और यही मशीन अगर आप मार्केट से लेने जाते हो, यही मशीन जो कंपनी इसको बनाती है बहुत महंगी मशीनें होती है और हमने ये जुगाड़ बना करके इस तरह के जो बॉक्स बनाए हैं, कलम बहुत ही अच्छी बनकर आई है और बिल्कुल 0-0 है। मैं दूसरा पीस आपको एक कटिंग कर दिखाता हूँ। कट करके इस तरह से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमने कटिंग की है इसकी। और दूसरा पीस भी आप देख सकते हो और अब हम इसको आपको ज्वाइंट करके दिखाएंगे कितने 0-0 ये बनने वाला है। आप देख सकते हो कहीं से भी कोई भी इसके अंदर किसी भी तरह का गैप नहीं है और बनने के बाद कुछ इस तरह से हम फिटिंग कर देंगे और इसी तरह से फिट करने के बाद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आता है, फाइनल कुछ इस तरह से बॉक्स बनकर तैयार हो जाता है। तो कुछ कटिंग करने के बाद जो फाइनल पीस हमारा बनकर तैयार हुआ है वो इस तरह से बिल्कुल तैयार हुआ है और आप देख सकते हो ये बिल्कुल 0-0 आपका बना है, कहीं से भी कोई भी गैप नहीं बना हुआ है और ये बनने के बाद इतना खूबसूरत लगता है। अगर हम इसी पीस को, इसी बॉक्स को अगर हम ज्वाइंट कर देते हैं तो ये एक बहुत अच्छी अलमीरा के रूप में, अलमीरा की शक्ल में तैयार हो जाता है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो वीडियो में। ये हमने पूरा बॉक्स, अलग अलग बॉक्स को ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से हमारा एक अलमीरा का रूप बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही खूबसूरत आइटम ये लगती है। आप इसके अंदर, आप इस अलमीरा के अंदर अपने रूम के अंदर अपने कहीं भी इसको फिट कर सकते हैं और इसके अंदर कोई भी डेकोरेटिव आइटम आप इसमें लगा सकते हो, ये आपके रूम की, बेडरूम की भी शोभा बढ़ा देता है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।